लास्ट 10 डेज सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जांच कीजिए कि निम्न समीकरण दूसरा समीकरण है या नहीं। फर्स्ट पार्ट x प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x − 3। पहले वाले ब्रैकेट को a प्लस बी के स्क्वायर से फॉर्मूले से खोलेंगे, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू का मल्टीप्लाई करेंगे 2x − 6, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1 और माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 2x × 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x × 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यह दोगा समीकरण है क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए दोगा समीकरण होगा, इसमें इसकी पावर भी 2 है। सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू −2 × 3 − x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पहले तो −6 प्लस 2x ट्रांसफर, एक्स स्क्वायर −2x −2 प्लस 6 माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर −4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसकी पावर 2 है, दोगा समीकरण होगा ये। थर्ड x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x − 1 एक्स प्लस 3, दोनों प्रकरणों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों का, तो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे −2x −2, एक्स का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में 3x और माइनस 1 का करेंगे तो −x और माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, −2x प्लस एक्स माइनस 3x में से माइनस एक्स कराएंगे माइनस के 2x हो जाएंगे तो −3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले जाएंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं है, ax² + bx + c के रूप का नहीं है।